करना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, रतन दुबे जैसे कार्यकर्ताओं के बलिदान का ही परिणाम है आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित है। प्रधानमंत्री मोदी जी के करिश्माई व्यक्तित्व का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी 142 करोड़ लोगों की आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गांव, हर गरीब, हर पंचायत, हर दलित, हर प्रवासी, हर आदिवासी तक पहुंचाने के लिए पूरी सफलता पूर्वक कार्य कर पा रही है। और इस अवसर पर स्वर्गीय रतन दुबे को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हमारे यहां वरिष्ठ नेता हुआ करते थे स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी। कई वर्षों तक संसद में उनके साथ हम लोगों को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। लंबे समय तक यहां की आवाज बनकर के उन्होंने यहां के विकास की आवाज को संसद पर रख करके यहां विकास की अनेक योजनाओं को लागू करने का कार्य किया। भले ही यूपीए की सरकार उन कार्यों को ना आगे न बढ़ा पाई हो, लेकिन भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज बस्तर के लिए आई हुई 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वर्गीय बलिराम कश्यप के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि को अर्पित करती है। और भाइयों बहनों, हमें प्रसन्नता है कि आज स्वर्गीय बलिराम कश्यप की तो उस व्यवस्था को जो उन्होंने वैचारिक पृष्ठभूमि के साथ जुड़े रहे, आज श्री दिनेश कश्यप जी उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और आप सबका आशीर्वाद उनके साथ में है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी को भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। भैया बहनों, छत्तीसगढ़ की धरती हम सबके लिए एक पूर्ण धरा है। प्रकृति और परमात्मा के सीम कृपा इस धरातल पर है। अब याद करिए भगवान राम के सबसे यानी वनवास काल खंड के अंदर जो उनके सबसे भिन्न सहयोगी थे, ये वही आदिवासी वनवासी बंधुगण हैं, गिरवासी बंधुगण हैं, जो आज भी व्यवस्था के साथ जुड़ करके कार्य कर रहे हैं। और चिंता मत करिए, ये सब सेना भगवान राम के साथ, भगवान राम के साथ हजारों वर्ष पहले भी देश के लिए लड़ा था और आज फिर हम लोग मजबूती के साथ इस बात को कह सकते हैं कि इन्हीं बंधुओं की मदद से नक्सलवाद का भी खात्मा होगा और इन्हीं बंधुओं के बल पर धर्मांतरण की अनैतिक और अवैध गतिविधियों को पूरी तरह लगाम लगाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आने वाले समय में करेगी। भैया बहनों, छत्तीसगढ़ का अपना महत्व है। प्रकृति और परमात्मा की इतनी असीम कृपा है इस धरती पर। भगवान राम को भी अपने वनवास कालखंड की भूमि के रूप में इस धरती को चुनना पड़ा था। याद करिए, यही पे आकर के उन्होंने अपने पूरे वनवास कालखंड को व्यतीत किया था, इन्हीं बंधुओं के बीच में व्यतीत किया था। और कारण था यहां की प्राकृतिक सुंदरता, और कारण था माता कौशल्या, जो भगवान राम की मां थी, उनका मायका भी तो छत्तीसगढ़ी है। याद करिए, आपको सरकार चुनने का सौभाग्य कब प्राप्त हो रहा है? जब अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा होने जा रहा है, ये खुशी तो आपको भी होगी ना। और भाइयों बहनों, इसीलिए हम लोग आए हैं। मणिराम कश्यप यहां से चुनाव जीत करके जाएंगे, छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी तो
अयोध्या धाम का दर्शन कराने के लिए यहाँ के बंधुओं को भी लेकर के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी बोलती और क्यों घोषणा नहीं करती, करके दिखाती है। जो पहले असंभव था अयोध्या में राम मंदिर का विवाद, ये कांग्रेस की देन थी, ये समाधान नहीं होना देना चाहती थी। मोदी जी आए और उत्तर प्रदेश की जनता ने संकल्प लिया, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, तो भाइयों बहनों डबल इंजन की सरकार ने विवाद का समाधान कर दिया, अयोध्या में राम मंदिर का मार्ग।